L'amore è un dono, non si sta a cuore. Un caso mi pare che non mi conosca, se sta a cuore. Per mettere a dare a me la faccia, 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 la मंगलमय मंगल करण विचराग विज्ञान मोता ही आते भैर रविकार महान परम पुरुष ने अर्थ को साथ तपश्चरण से सुगति होती है और यहाँ कह रहे कष्ट से सुगति होती है। इन दोनों कथनों में मान्यता का अंतर है। तपश्चरण में प्राय जीव कष्ट मानते, इंद्रिय सुखी वासना हृदय में रहने से इंद्रिय सुख में सुख की मान्यता होने से तपश्चरण में जगत के प्राणी या मोही प्राणी कष्ट मानते हैं। तो कहते बड़े कष्ट से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन तपश्चरण में कष्ट मानना और कष्ट से सुगति मानना दोनों भूल है। तपश्चरण से तो कष्ट दूर होता है, तपश्चरण से कष्ट नहीं होता। प्रसंग आया था परसों चर्चा की, भैया कष्ट के प्रसंगों में कष्ट न मानने से सहन करने की अभिलाषा न होने पर भी अगर सहन करने का प्रसंग बन जाए तो बड़े सहज भाव से समता भाव से सहन कर लेने से तो अकाम निर्जर होती है। इसलिए इस अभिप्राय सहित भी, कौन से अभिप्राय सहित, तपश्चरण क्या नाम कष्ट से सुगति होती है, इस अभिप्राय से भी किसी जीव को कष्ट देना ठीक नहीं है। एक चर्चा और कर दिया, अंत गति अंतमति सो गति अंतमति सो गति, अलग आगे के छंद में इसका थोड़ा सा आया लेकिन समझ लो अंतमति सो गति, जैसी गति होनी होती है वैसी अंत में मति हो जाती है और जैसी अंत में मति हो जाती है वैसी फिर गति हो जाती है। इसका अर्थ भी परिणाम सुधारने का उपाय कराना, परिणाम सुधारने का उपाय करना ऐसा ही समझना चाहिए। मतलब अपने परिणामों की निर्मलता की ओर लक्ष्य रखो। इस संबंध में जो दृष्टांत दिए हैं, योद्धा युद्ध क्षेत्र में तब सफल होगा जब पहले से उसका शस्त्राभ्यास होगा। ट्रेनिंग पहले से दी जाती है, अभ्यास पहले से कराया जाता, तब वो युद्ध में सफल हो पाते। ऐसे ही जो जीवन में तत्व का अभ्यास करते हैं, शास्त्राभ्यास करते हैं, तीसरा बोलो शास्त्राभ्यास या शास्त्रों के माध्यम से तत्वाभ्यास, तीसरा बोलो व्रतों का अभ्यास, उपवास आदि का अभ्यास, तपश्चरण का अभ्यास करते हैं तो
उनको अंत के समय में भी शांतता बनी रहती, और यदि पहले से अभ्यास न हो, अनट्रेंड आदमी, अशिक्षित अप्रशिक्षित आदमी यदि युद्ध में सीधा पहुंच जाए तो न तो उसे बार बचाना आता है और न बार करना आता है। तब विचार करो वह युद्ध को कैसी जीत सकता है। ऐसे ही जैसे कर्मों के प्रहार में समता रख, कर्मों के उदय में समता रखना भी नहीं आता और नए कर्मों को रोकना भी नहीं आता, वह जीव कैसी समाधि को प्राप्त कर सकता है। और परिणाम तो एक ही समय के अध्रुव होते हैं, एक छोटे समय में अभी कुछ परिणाम है, थोड़ी देर बाद कुछ परिणाम हो जाए। इसलिए आगे क्या लिखा था इस श्लोक में, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा गया? आगे का छंद नहीं पढ़ा। समाधि में स्थित अपने गुरु का अपने साथ मस्तक छेद दो तो उनकी देह समाधि पूर्वक देह छूट जाएगी तो उनकी सुगति होगी। उनका ये कथन भी तुम्हारा कुतर्क है, ध्यान रखना। कुतर्कवादी कुतर्कियों का कुबादियों का संग करना भी श्रेष्ठ नहीं है। लोक व्यवहार में भी जो कुतर्के करते रहते हैं, भैया तुमसे क्या बात करें, तुमसे नहीं जीत पाएंगे, तुम तो बकी रहो भैया, वे हमेशा कुतर्क करके अपना पक्ष पोषण करेंगे, समझने की चीज ही नहीं करेंगे। तो ये कुतर्क है, असंगत प्रवर्तन जिसको प्रारंभ में कहा, आगम सम्मत नहीं है, आगम सम्मत नहीं है और न स्वानुभव से समझ में आने वाली थी। तो विचार करो कि समाधि में स्थित ही के परिणाम, कभी कभी तो आपने देखा होगा चार गतियों का वर्णन चल रहा हो और स्वर्ग के विमानों का वर्णन सुन करके उसे निदान बंद ही हो जा, ऐसे भी प्रसंग पड़े। स्वर्ग के विमानों का वर्णन सुनते सुनते उसे अरे मेरी तपस्या का यही फल हो। अब देखो मुनिराज वशिष्ठ आदि मासों बाकी थे, कंस के प्रसंग में आया ना, कंस का जीव था, मासोपवासी एक एक महीने के उपवास करने वाले, और अंत में क्या हो गया बता? उन्होंने कहा ये राजा न आहार देता है और न देने देता है। तो उसको क्रोध आ गया, मेरे तपस्या का फल हो तो मैं इसके बैर लू बदला दू, और कंस का जीव जा करके बन गया। ऐसे श्रेणी में कुणिक का बने, जीवन मुन्नाज को अचानक क्रोध आ गया। ये जो शांतता के परिणाम है अथवा क्रोधाधिक के परिणाम है, ये परिणाम भी अध्रुव है, क्षण क्षण में बदल जाते। इसीलिए तो शुद्ध परिणाम भी आश्रय करने योग्य नहीं है, शुद्ध परिणाम भी आश्रय करने योग्य नहीं है, ध्रुव स्वभाव ही आश्रय करने योग्य है। ध्रुव स्वभाव के आश्रय से शुद्ध परिणाम होते हैं, टिकते हैं, बढ़ते हैं और निरंतर बढ़ते हैं, छायक हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध परिणाम की चाह, शुद्ध परिणाम की भावना, शुद्ध परिणाम का लक्ष्य रखे तो भी पुण्य भले हो जाए, लेकिन शुद्ध परिणाम के आश्रय से भी शुद्ध परिणाम।
आशय करने योग्य है, संबर भी नहीं है, निजरा भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। मोक्ष की वांछा भी मोक्ष में बाधक है, ये कहा। जबकि मोक्ष तो सादि अनंत था, लेकिन अनादि अनंत तो नहीं है। एक बात दूसरी और विचार करो तो मोक्ष दशा जब है ही नहीं तो आश्रय क्या करोगे? है ही नहीं अभी, और तुम कहो भगवान की हम महावीर स्वामी की मोक्ष दशा का आश्रय करेंगे, तो वो तो उनकी दशा का आश्रय करने से तुम्हें मोक्ष दशा कैसे आएगी? एक दृष्टांत दिया था इस समय याद हो तो, कभी पुत्र के आश्रय से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, पुत्र के आश्रय से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, पुत्र की चिंता में पुत्र की वांछा में आज की भाषा में टेंशन में बड़ी बीमारी हो रही, पुत्र की वांछा में टेंशन में यदि पति की उपेक्षा करे तो कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे मोक्ष दशा की अभिलाषा करते हुए भी अगर आत्मा की उपेक्षा करेगा तो कभी मोक्ष नहीं होगा। यदि पुत्र की अभिलाषा है तो भाई बिल्कुल सहज भाव से पति में समर्पित हो जा, विलीन हो जा, पति को सौंप दे अब स्वयं को, तो होना होगा, योग्यता होगी तो हो जाएगा। ऐसे आत्मा में जो समर्पित हो जाता है वह परिणाम स्वयं मुक्त दशा। दूसरा दृष्टांत इसी तरह से दिया था, कन्या कौन बनेगी, ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसको वरण करेगा। यदि कन्या भिकारी को वरण करे तो भिकारिणी तो होगी, राजरानी बनने के लिए तो उसे राजा को वरण करना होगा। भिकारी को वरण करे और रानी बनना चाहे तो कैसे बनेगी? सीट को वरण करे और रानी बने तो कैसी बनेगी? सीट रानी बन सकती है। डॉक्टर को वरण करेगा तो डॉक्टर नहीं बन सकती, कहलाएगी। लेकिन रानी बनना है तो उसी राजा को वरण करना होगा। राजा को वरण करने पर वह भिखारी की कन्या भी राजरानी हो जाती। बुद्धदासी का आया ना, बुद्धदासी उस अनाथ कन्या को मुंडाज के शब्द सुन लिए, ये राजा की रानी बनेगी, तो बहुत साधु भेजा मठ में और उसका पालन पोषण किया। थोड़ी देर बाद उधर से राजा निकला तो उसने स्वागत किया, उसने लड़की देखी जो मोहित हो गया और वरण किया तो बस रानी बन गई। तब बुद्ध दासी ने उसका संबोध रुकवा दिया था रथ और मिला का, बज्जी कुमार ने रथ चलवाया था, प्रभावना अंगमाया। तो हमारा मतलब ये है तो कन्या कन्या है, कन्या कौन बनेगी इस बात पर निर्भर करता है वह वरण किसको करेगी। ऐसी पर्याय पर्याय है, ज्ञान ज्ञान है, उपयोग उपयोग है, वह कौन बनेगा जिसको वह वरण करेगा। शुद्धात्मा को वरण किए बिना, शुद्धात्मा का वरण अर्थात शुद्धात्मा का श्रद्धान, शुद्धात्मा का अनुभवन और शुद्धात्मा की भावना भाते हुए शुद्धात्मा में लीन हो जाना, ये सब वरण के ही अर्थ। अपना अलग से अस्तित्व ही नहीं रखा, ये समझो। अस्तित्व को अस्तित्व न कहें तो
तो हम दूसरा शब्द कह सकते अहम, अपने अहम को विलीन कर दिया। लौकिक में भी आप देखो, किसी स्त्री से पूछो तुम्हारी प्रॉपर्टी, तो बस जो पति की प्रॉपर्टी है वह मेरी प्रॉपर्टी। वह स्त्री अगर किसी लड़के से कहे बेटा यहां ना हमारी दुकान पर चले जाओ, हमारी दुकान जिस जिसका वो मालिक है पति, वह उसकी मालिक है, हमारी दुकान पर चले जाना। कहां है के बाजार में, कायची है के कपड़े। एक गणित बताया था याद है तुम्हें, भूल गए? हाँ, दो पुत्र हैं तो बताओ पति के कितने, कह दो, और पत्नी के कितने, कह दो, और कुल कितने। भारी वाला गणित, दो ही पुत्र, दो मकान पति के, दो ही मकान पत्नी के, और कुल मकान दो, चार नहीं है। ये भारतीय संस्कृति है जिसका विश्व में कोई जोड़ नहीं है। भारतीय संस्कृति है, ये अलौकिक गणित है। क्यों? उसने अपना अलग से अस्तित्व रखा ही नहीं है अहंकार। तो ऐसे ही क्यों पर्याय से पूछो तुम्हारी आयु कितनी, के अनादि अनंत। अनादि अनंत तो आत्मा है, के आत्मा ही तो मैं हूं। जबकि पर्याय कितने समय की होती बता, एक समय की होती है। लेकिन उस पर्याय से पूछो क्यों तुम्हारी आयु कितनी, के अनादि अनंत। तुम कैसे कि अमूर्त, तुम कैसे कि सहज ज्ञान स्वरूप। देखो छद्मस्थ अवस्था में है आचार्य महाराज, और क्या क्या रहे, ज्ञान दर्शन समग्गो, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण केवली हो गया अब। अरे कहां की केवली, केवली की बात बाद की है। वो पर्यायगत ज्ञान की पूर्णता, केवल ज्ञान की, हम उसको लक्ष्य करके नहीं कह रहे। हम तो सहज ज्ञान स्वरूप जो सदा पूर्ण, मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन तो सदा रूपी, सदा ज्ञान दर्शन पूर्ण, ये कह रहे। अभी भी पूर्ण, पूर्ण अधूरा नहीं। तुम्हारी कितनी शक्ति, कि अनंत शक्ति। अनंत शक्तियां तो आत्मा में होती, क्या वही तो मैं हूं। मतलब ऐसा नहीं लगे भैया आपका कहें ये तो पति का मकान है, हमारा तो कुछ नहीं है, ये तो पति की दुकान है, हमारा कुछ नहीं है। अरे कुछ कैसे नहीं, तूने अपने को पति से अलग माना क्यों? एक दृष्टांत और दिया था याद हो तो, हैं? वो बालक रो रहा था, उस बाबा जी ने पूछा क्यों बेटा रो क्यों रहे हो, क्या कहूं बाबा जी मेरी माँ तो मर गई, सोते भी माँ है और वो मुझसे काम लेती है, मुझे मारती है, खाना नहीं देती। बेटा जब तू ये समझता है मेरी सोते भी माँ है, तो वो अगर समझे सोतीला पुत्र है तो उसमें अन्याय क्या है? तुझे उस मां को वास्तविक मां समझना होगा, उस मां को वास्तविक मां समझना होगा। ये भेद तेरे भीतर जो सोतीली मां और मेरी मां मर गई, तो वो भेद मिटाना पड़ेगा।
वो हमें प्यार नहीं करती। अरे तू उसे आदर नहीं दे सकता, प्यार कहां से करेगी वो? अरे सोचो जरा, उसने डांट दिया है तो तेरी माँ होती तो अभी तो डांटती, गलती के लिए डांटती है कि सही में भी डांटती है, ये बताओ पहले। तो गलती में डांटने से तुमने फिर सोच लिया ये तो सोते भी माँ है, सो डांट दिया। जो चाहिए सो देना पड़ेगा, और देने पर भी समय पर मिलेगा, ध्यान रखना। जो खेत में काटना है वो बोना पड़ेगा, और बोने पर भी समय पर कटेगा, ऐसे तो नहीं अब याद मिल जाएगा तुम। लेकिन तुम तो विश्वास के साथ हैं, जो तुम्हारे पास चार दिन खाने लायक अनाज है उसको पटक दो खेत में, विश्वास के साथ। इसे चार दिन तो कट जाते, अब इनको मट्टी में मिलाने से क्या फायदा? अरे फायदा क्या, विश्वास के साथ पटको, और पटकने के बाद फिर सिंचाई गुड़ाई जो कुछ भी है उसका प्रक्रिया कर, समय पर आपको मिलेंगे, समय पर। आदर देना सीखो, इसलिए समय पर मिलेगा। आदर देने पर भी अगर तुम्हें स्नेह नहीं मिलता तो तुम अपने पाप का उदय समझ करके क्षमता रखना सीखो तो साधना कर सकते हो, नहीं कर पाओ। आदर करने के बाद भी अगर तुम्हें नहीं मिलता, उद्यम करने पर भी अगर तुम्हारे कार्य की सिद्धि नहीं होती, योग्य उद्यम करने पर, ध्यान रखना, योग्य उद्यम करने पर भी अगर कार्य की सिद्धि नहीं होती तो तुम्हें कर्मोदय विचार करके क्षमता रखना चाहिए। बिना उद्यम के कार्य सिद्धि कैसे चाहते हो तुम? संस्कृत में है, नीति में है, अब वो अर्थ होता ही है, उसको अर्थ आपको भीतर खींचना पड़ेगा। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, केवल चाहने से नहीं उद्यम करने से, परंतु सर्वथा मत देना। उद्यम के साथ पांच संभाय आएंगे कि नहीं आएंगे ये बता। उद्यम करने पर भी, अब इसको पूरा अर्थ कैसे करोगे? उद्यम न करने पर तो कार्य की सिद्धि नहीं ही होती, उद्यम करने पर भी, योग्य उद्यम करने पर भी समय पर कार्य सिद्धि होती है। विपरीत उद्यम या बाहरी उद्यम नहीं, जैसे धन कमाने का उद्यम करे अपनी अकल लगा करके, क्या व्यापार कर रहे हैं हम, मजदूरी कर रहे हैं हम, नौकरी कर रहे हैं? अरे भैया व्यापार, धन का उद्यम पुण्य है, अब तुम व्यापार कर रहे, नौकरी कर रहे, मजदूरी कर रहे, लेकिन पुण्य तो कर नहीं रहे, भावना तो तुम्हारी खराब है, खोटी है। अब तुम कहते हो नहीं मिल रहे, अरे मिले कहां से? धन का उद्यम पुण्य है, पुण्य का उद्यम भगवंतों की भक्ति है, अब वो वहां तो करे नहीं उद्यम, तो भजनकार क्या लिखते थे? झूठा उद्यम लोग करते हैं, या मैं निशिन खाटी। मूल कारण को दूर करे और मूल कारण को मिला, दुख के मूल कारण को तो दूर करे मोह को, और सुख के मूल कारण को मिला, तब कार्य सिद्धि होती है। समय कर्म से अनन्यगत परिणाम, क्या लिखा हम कुनकुन स्वामी ने संस्कृत छाया, अनन्य गत परिणाम समय कर्म छय। आत्मा के साथ जो अभिन्न परिणाम है वह समय पर कर्म के क्षय का अथवा दुख के क्षय का हेतु है। समय शब्द मूल है वहां। अब बताओ आदि शर्मा महाराज
तपस्या करने बैठी 1000 वर्ष लग गए। अब लग गए तो लग गए, अब कहे क्यों नहीं हो रहे, हम तो तपस्या कर रहे हैं, हम तो आत्मा में लीन हो रहे हैं। अरे भाई 1000 वर्ष लगे तो लगे समय, भरत महाराज को अंतर्मुहूर्त में हो गया, बावली को 1 वर्ष लग गया। भैया ये कुछ नहीं, पर्याय की योग्यताएं बताए। और देखो यहां अगर कोई विकल्प करे 1000 वर्ष तक, भैया ये तो बहुत लंबा टाइम है, तो तुमने आत्मा को समझा कहा? 1000 वर्ष जो आत्म आराधना का समय है वह भी तो आनंदमय ही है। तुम फल की वांछा क्यों कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है ये साधना का जो तपस्या का समय है ना, वो तो कष्टमय है, और फिर उसके फल में फिर बनेंगे, भगवान बन जाएंगे फिर अपने आराम से, भगवान बन जाएंगे फिर। अरे भगवान बने बनाए देखोगे तब भगवान बनोगे। स्वरूप की आराधना, स्वरूप की आराधना ऐसी आनंदमय है कि उस आनंद में, उस तृप्ति में, उस परम दशा की भी अभिलाषा नहीं रहती, और अल्पकाल में परम दशा प्रकट हो जाती। परम दशा की अभिलाषा हो तो फिर आराधना ही काय बात की रही, फिर तो उस दशा की ओर देख रहा है। वो दृष्टांत तुमने सुना है? देखो भैया पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, दान की ऐसी महिमा है, एक सुई भी दान करे तो स्वर्ग में जाता है, विमान लेन करके देवता आते हैं उसे लेने के लिए। वैष्णवों की कथाएं, उन्हें देवता विमान दे करके उसे दानी को सुई के बराबर भी दान कर दे तो उसको देवता लेने आते विमान के लिए। तो बस उसने उठा और एक सुई किसी को दे दी, भैया आप ऐसे देख रहा हो आओगे नहीं आओ। पंडित जी से कहता, पंडित जी आप कह रहे थे कल हमने तो सुई दान करी, कहाँ आया थे? कि दान करी तो तुमने फिर उधर के देखो, अरे खरीदा थोड़ी आता, तूने फल की अभिलाषा करी, निष्काम भाव से दान हुआ, दान कहते ही उसे ये दान नहीं है तुम्हारा, देने का नाम दान नहीं है, अकेला धर्म के अर्थ देने का नाम दान है। अभी इसी अहिंसा में आएगा, कोई भूखा पुरुष आ जाए उसे तृप्त करने के लिए अपने शरीर का भी मांस देने लायक नहीं है, मांस कोई देने लायक वस्तु नहीं होती, अभक्ष का दान नहीं होता। अभक्ष का दान नहीं होता, अभक्ष का तो त्याग होता है, अभक्ष तो न खाने लायक है और न खिलाने लायक, न अनमोल न लायक, भक्ष्य है वही खाओ और वही खिलाओ, चाहे आहार दान के नाम पर हो, चाहे औषधि दान के नाम पर हो, चाहे अभय दान के नाम पर हो, चाहे करुणा दान के नाम पर, किसी के दान शब्द नहीं आएगा अगर अवच्छ होगा तो। ठीक है तुमने लौकिक लोकाचार से आलू वाले बाग बटवा दे, शकरकंद बटवा दी, सिंगाड़ी की लपसी बटवा दी तुमने, रात में खाओ पी और वो सब तमाम लौकिक व्यवहारों में बात है, कुछ वो नहीं हो भैया जी, दान का रूप नहीं है। दान में तो निर्वांचकता होती है, दान का फल, दान का फल, अरे दान स्वयं आनंदमय है, उसका फल क्या कहें हम? दान देने का जो आनंद है वे दान देने वाले ही समझ सकते हैं। दान का स्वरूप ज्ञानी समझता है और वही दानी होता है। जगत के जीव तो जिसे दान समझ रहे हैं वो दान है ही,
जिस वंश किसी वंशा सहित अगर दान किया जाए तो वो दान कहाँ है। ऐसे ही वंशा सहित तप किया जाए वो तप कहाँ, निर्वांश तपे से उपज निहार, निर्वांश तपे, निर्वांचक होकर के जो तप तपते हैं, तप करते हैं, अर्थात स्वरूप में विश्रांत होते हैं, निर्वांचक दशा आई और उनको मोक्ष दशा प्रकट हो। तो ये मत समझ लेना कि समाधि में स्थित माने शरीर से स्थित को तुमने समाधि मान लिया, लेकिन परिणाम तो अधर्म है ना, क्षण क्षण में बदल रहे हैं। इसीलिए लोक व्यवहार में चरणान योग में भी समाधि की जो प्रक्रिया है वह कैसी है, मोही जनों से म्यारा होकर साधर्मी जनों के बीच में समाधि की जाती है बुद्धि पूर्वक, यही तो होता है। और साधर्मी जनों से भी त्याग करने के बाद निवेदन करते हैं तब मौन होते हैं, क्या जब तुम जानो यह न जपे है तब जिन वाणी पढ़िए, यो कहे मौन लियो सन्यासी पंच परम पद गये। मैं अपने स्वरूप में सावधान होता हूँ, मैं अपना उपयोग तत्व विचार में लगाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी मुद्रा पर आकुलता लगे तो तुम हमें सावधान करना, सचेत करना, सहायक होना। काय में परिणाम की स्थिरता में स्थितिकरण मन स्थित करना, काय में जिससे बिगड़ा हो उसी में रत्नत्रय मार्ग में स्थित करना, शुद्ध आत्मा में स्थित करना। तो यहां अहिंसा के दो रूप और बता दिए कि कुछ लोग तो ऐसा मान लेते हैं कि सुख की प्राप्ति कष्ट से होती है, तो ये समझ लेना कष्ट तो आर्थ ध्यान है, उससे आगामी सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। सुख की प्राप्ति कष्ट के प्रसंगों में, कष्ट का वेदन न करने से, उधर उपयोग न लगाने से, अपने उपयोग को समेट लेने से, अपने उपयोग को पंच परमिष्टियों में लगाने से, अपने उपयोग को जिनवाणी के अभ्यास में लगाने से, अपने उपयोग को तत्व विचार में लगाने से जो कषाएं घटी उससे तुम्हारी गति उत्तम होगी। ये व्यवहार में है और पर से उपयोग हट करके स्वरूप में लग जाए तो परम समाधि। कष्ट से का अर्थ कष्ट के वेदन करने, कष्ट का वेदन करना, चार प्रकार के ध्यान में आठ ध्यान कहा है। कष्ट का वेदन करना वो तो आठ ध्यान है, आठ ध्यान से भला कैसे हो यार, पंडित टोटरमल जी ने लिखा ना, अगर कष्ट सहने से ही निर्जरा होती हो तो त्रियन चार कितने कष्ट सहते हैं, उनकी सबकी नजर हो या भी सब कर जाए। देह से भिन्न आत्मा की दृष्टि होने पर दृष्टि बदल गई, देखने का विकल्प बदल गया। जगत जिसको कष्ट कहता है ज्ञानी उसे कष्ट मानता ही नहीं, और जिसे ज्ञानी जिसे कष्ट मानता है उसे जगत कष्ट मानता ही नहीं। ज्ञानी अज्ञानी जिसे सुख मानते हैं ज्ञानी उसे कष्ट मानते हैं, ये समझ लो। सुदस्त उसमें क्या नाम तत्व ज्ञान तरंगणी माया, रमणीक भोगों के स्मरण मात्र से जिसे कष्ट लगता है, रमणीक भोगों का स्मरण आने मात्र से जिसे कष्ट लगता है, हरी देव भोगों में सुख, ज्ञानी सुख मान रहे हैं, ज्ञानी वहां कष्ट मान रहा है, और धर्म ध्यान में ज्ञानी तपस्या आदि में कष्ट सुख मान रहे हैं और वहां कष्ट मान रहा है।
ये दृष्टि का फल, दृष्टि का आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली, दृष्टि का ही तो खेल है और है क्या। तुम शरीर की ओर से देखते हो, हम आत्मा की ओर से देखते हो। तुम शरीर की ओर से देख रहे हो, हम आत्मा की ओर से देख रहे हो। तुम्हारी दृष्टि में जो सब कुछ है शरीर, वो हमारी दृष्टि में कुछ भी नहीं है, भिन्न तत्व है। और जो आत्मा तुम्हारी दृष्टि में तुम्हें कहाँ है कहाँ है कहाँ दिखाई देता है, जिस आत्मा को तुम देखते ही नहीं हो, जिस आत्मा से तुम बिल्कुल अनजान बने हो, वो आत्मा हमारा सर्वस्व हमें प्रति समय दिखाई देता है। विचार करो भाई, जहां लाइट है वहां अंधेरा कैसे होगा। ऐसे जहां आत्मा विराजता है उपयोग में, ज्ञान 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 का प्रकाश बरसता है, वहां मोह का अंधेरा कैसे हो सकता है, कथाएं कैसे हो सकती है। तो कष्ट से बचने का और कष्ट से बचाने का, दोनों कष्ट से बचने का और कष्ट से बचाने का एकमात्र उपाय तत्व की आराधना करना है। इसलिए आराधना में ही अपना उपयोग लगाओ और आराधना में ही सहायक हो, तो अहिंसा पड़ेगी। इसलिए आराधना का नाम अहिंसा और विराधना का नाम अहिंसा। बताया था ना जब ये प्रसंग प्रारंभ किया था, भैया शुद्ध आत्मा को समझे बिना अहिंसा समझी भी नहीं जा सकती, पाले के कहते बिना समझू दर्शन के व्रत होते कहाँ है कैसे होते। केवल शास्त्र पढ़ करके उसे देख देख करके उस या कोई धर्मात्मा को देख देख करके उस प्रकार की क्रियाएं पाल लें और क्रियाओं के अनुसार परिणामों की मंदता भी हो जाए तो अभी पुण्य होगा। व्रति होने के लिए केवल पापों का त्याग ही आवश्यक नहीं है, निसल्य होना आवश्यक। निसल्यो व्रति, केवल हमने नियम ले लिया तो व्रत हो गए, नहीं। निसल्यो व्रति, मिथ्यात माया और निदान, ये तीन सल्य जब तक भीतर हैं तब तक व्रत कहां से होंगे। त्याग करने पर भी व्रत नहीं हो सकते। ये पक्ष बहुत जरूरी है समझना भाई, इस ज्ञान पक्ष के बिना क्रिया का पक्ष नहीं छूटेगा। क्रिया का पक्ष लेकर के ज्ञान पक्ष को उड़ाओगे तो नहीं क्रम बनेगा। अरे पश्चातक्रांत होकर के दोनों पक्षों का यथार्थ स्वरूप समझो, बाद बाकी एक पक्ष से दूसरे पक्ष का निराकरण या खंडन मत करो। आत्मा के समझे बिना अहिंसा कहां से आएगी ये पता, लौकिक में भी नहीं आएगी। अगर जीव को जीव समझोगे तो तुम्हें दया का परिणाम रहेगा, और तुम जीव को जीव ही नहीं समझोगे, अपने स्वाद में लग रहे हो तो जीव का तो हाथ होगा। अपने स्वाद में स्वार्थ में विषयों में लगे रहोगे तो आप जीवों का घात करते रहोगे, हमें कुछ मतलब नहीं। और जीव को जीव समझोगे तो आपको कभी निर्दयता का परिणाम आ ही नहीं सकता। जैसे अपने प्राण जैसे इनके प्राण, जैसे अपना स्वाभिमान है जैसे इनका स्वाभिमान है, जैसे इनका हित है ऐसे हमारा हित है, गया दे गई है। बाकी आ जाए आपको बस अंतिम बात बोलो, अपने को सिद्ध समान अनुभवने से परमार्थ सत्यता है, और सब जीवों को अपने समान समझने से व्यवहार करता है। जो जीव सब जीवों को अपने समान नहीं देखता, सर्वथा नहीं दिव्य दृष्टि से देखता, और फिर पर्याय का यथार्थ ज्ञान बन, जब दिव्य दृष्टि होगा तब पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है, और यथार्थ ज्ञान होता है तो फिर यथायोग्य व्यवहार होता है। बताओ उसका खुलासा करो। जो जीव सब जीवों को दिव्य दृष्टि से
सिद्ध समान या अपने समान समझता है उस जीव को अपरिहार्य में जो दुख में पड़ा हुआ है उसके प्रति करुणा भाव होता है। परिहार्य में जिसके आत्मा की आराधना विशेष बढ़ती है, ज्ञान विशेष है, दर्शन विशेष है, चारित्र विशेष है, तो उसके प्रति प्रमोद भाव आता है। परिहार्य में जो अपने आत्मा को भूल करके दुखी हो रहा है और पर को दुख का कारण मान रहा है और फिर वैर विरोध में पड़ा है, विपरीत प्रवृत्तियां करता है, उसके प्रति भी मध्यस्थ भाव होता, उसके प्रति भी मध्यस्थ भाव होता। समान सबको अपने समान समझता है, लेकिन पर को अपने समान समझने से कहीं व्यवहार का लोप नहीं होता, व्यवहार सुधर जाता है। नीति में आपने पढ़ा होगा, मातृवत पर दारेशु पर धनम लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यो जाना सपन्नत। मातृवत पर दारेशु पर धनम लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यो जाना सपन्नत। अब विचार ना, इसका अनर्थ करो तो कितनी जल्दी अनर्थ हो जाए। एक बालक बड़ा जिद्दी था और इकलौता लड़का था, तो माँ को लालन पालन में बिगड़ हो गया था। बात बात में माँ को मारने लगे, बात में चिल्लाने लगे, रूठ जाए, मचल जाए अपनी जिद पूरी करने के लिए। अब विचार करो, ऐसा ही व्यवहार मातृवत पर धारे, ऐसा ही व्यवहार दूसरों के साथ कर रुका हो। अरे भाई, दूसरी स्त्रियों को माता के समान समझने वाला व्यक्ति चीलवान होता है, होता है कि नहीं? पर धन को मट्टी समझने वाला, मट्टी के पैसा दे यार, पराए धन को पैसा मट्टी है वो तो। अरे नहीं, पर धन को लोष्टवत समझने वाला जी ईमानदार होता है, चोर नहीं होता। ऐसे ही आत्मवत सर्वभूतेषु सर्व प्राणियों को अपने समान समझने वाला जी क्या कहें, यथा योग्य व्यवहार उसका होता है। वह द्वेषी नहीं होता किसी जीव के प्रति, गुणीजनों के प्रति प्रमोद और दुखियों के प्रति करुणा भाव और दुर्जनों के प्रति भी मध्यस्थ भाव। किसी जीव के प्रति उसका वैर भाव नहीं होता, जिसको हम लोक व्यवहार में अहिंसा हिंसा कहते हैं, वैर भाव। तो उसकी परमार्थ अहिंसा स्व के आश्रय से और सर्व जीवों के प्रति योग्य व्यवहार होने से अहिंसा पड़ती। तो इस श्रद्धान के साथ अहिंसा का पालन करने वाला जीव धर्म के नाम पर किसी जीव को कष्ट देने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो ये सोचता है भैया ये अहिंसा होगी, अहिंसा नहीं है। समाधि में स्थित साधु का मस्तक काटने वाला भी अहिंसक नहीं है, हिंसक ही है। क्यों? मस्तक काटने से कर्म थोड़ी कटेंगे, मस्तक काटने से मोह थोड़ी कटेगा। अब विचारो, उस जीव को उसी समय अगर संकलेश परिणाम हो जाए तो गति बिगड़ और जाएगी। तुम कहते हो समाधि हो जाएगी, आराम से चले जाए, अरे उसी समय अगर संकलेश परिणाम हो गए तो बताओ उसकी गति बिगड़ेगी कि बनेगी? इसलिए इस कुतर्क रूपी तलवार से भी, हाँ बोलो क्या कहा, क्या शब्द लिखे बोलो, अहिंसा का घात नहीं करना चाहिए। क्या? इस कुतर्क रूपी तलवार से अहिंसा धर्म का घात नहीं करना चाहिए, अर्थात अहिंसा के विरुद्ध हिंसा का आचरण नहीं करना चाहिए। विचारना, हे जिनवाणी भारती।
सोई जपूं दिन वे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से अनित ज्ञान से सूझे लोकारो सो वाणी मस्तक सदा जीत मुझो।